કેમ છો બાળ મિત્રો? મજામાં? તો આપણે શાળા તત્પરતા પ્રવૃત્તિ ધોરણ 1ની ચોપડી અવતાર આપણે શીખી રહ્યા છીએ. આપણે અભી યે કિસ તરહ ભરના હૈ યે શીખ રહે હૈ. તો કલ મેને યે ક્રમ 14 કોલાજ વર્ક કિસ તરહ કરતે હૈ વો મેને શીખાયા થા. ઓર આજ હમ શીખેંગે, આજ આપણે શીખીશું આ क्रम 15 चित्रों कापी ने योग्य क्रम में चोटाड़ो. अब इसे कैसे करते हैं? तो बहुत ही इजी है. किस तरह करते हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको. तो अब इसे किस तरह करना है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ एक कातर की एक निशानी दी गई है. तो इसका मतलब ये है आपको यहाँ से काटना है. अहीं थी आपणे कापवानुं छे. तो मारी पास कातर छे, ए हूँ कापीने ज बताऊँ छूँ. देखो इसी तरह आपको भी मैं जब भी चोपड़ी दूँ आपके बच्चे के लिए, तो आपको भी इसी तरह काट देना है. काटते समय ध्यान रखना कि नीचे दूसरा पत्ता ना कट जाए, बराबर. तो ये हमने काट दिया, बराबर. अब क्या करना है, यहाँ से बीच में से भी काटना है. ये अब ये देखिए चार चित्र अलग हो गए, बराबर. अब ये चारों चित्र पहले ध्रोण में जो बच्चे नए एडमिशन हुआ है उनको देना है, बराबर. यानी तुम्हारे छोटे बच्चे को देना है और उसे ये देखने के लिए सबसे पहले तो देना है, ताकि बच्चा ये देख पाए कि ये चारों चित्र किस तरह के. फिर पूछना है कि ये चित्र में बच्चा क्या क्या कर रहा है. तो जैसे कि ये आप पूछे कि ये चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, तो वो बोलेगा कि भाई वो खाना खा रहा है, बराबर, कि ये खावानू खाए छे. पछे आ चित्र में शू करे छे, तो ये चोपड़ी वाँचे छे. आ चित्र में शू करे छे, तो ब्रश करे छे, बराबर. ब्रश करता है और इसमें सो रहा है. तो अब तुम्हें पूछना है कि हम सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं. तो ये चारों चित्रों को इस तरह से क्रम में लगाना है, यानी एक एक क्रम में इन्हें गोठावाने से. सबसे पहला क्यों चित्र आवे तो तुम्हारे पूछवानु छोकरा ने, तो बच्चे को पूछना है कि सबसे पहले तू क्या करता है इन चारों में से, बराबर. सबसे पहले क्या करता है, तो वो बोलेगा मैं सबसे पहले उठ के ब्रश करता हूँ, बराबर. तो जब वो बोले कि हाँ ब्रश करता हूँ, तो वो चित्र यहाँ चिपकाना है ऊपर. फिर क्या करता है ब्रश करने के बाद, ये पूछो कि ब्रश करने के बाद तू क्या करता है, तो बराबर. तो वो देखेगा कि हाँ ब्रश करने के बाद मैं खाना खाता हूँ, तो वो खाना खाने का चित्र यहाँ नीचे चिपकाना है. अब क्या करते हो खाना खाने के बाद, तो अगर वो बोलता है कि हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, तो यहाँ पढ़ाई का चित्र लगाओ. और लास्ट में क्या करते हो पढ़ाई करने के बाद, तो दोपहर में या फिर रात होती है तो मैं सो जाता हूँ. तो इस तरह चारों चित्र को यहाँ चिपकाना है, बराबर. चार चित्र ने यहाँ चोटाड़वानु छे. पण घणी वार उल्टू पण थाय छे. घणा छोकराओ शू कहे छे, तो सौथी पहला तू शू करे छे, तो के सबसे पहले मैं सोता हूँ, सो के उठता हूँ. तो सबसे पहले वो अगर ये चिपका रहा है, ये अहीं आ चोटाड़े छे, तो कोई वांधो नहीं, बराबर. ऊँघीने उठ्या पछी शू करे छे, तो ब्रश करे छे. उसके बाद क्या करता है, तो खाना खाता है. और उसके बाद लास्ट में पढ़ाई करता है. तो कभी कभी बच्चे क्यारेक क्यारेक छोकराओ आ पण आवी रीतना पण गोठवे छे आने, તો કોઈ વાંધો નહીં, એને જે ઠીક લાગે એ રીતના એને ગોઠવવા દેવું, બરાબર. હું આ રીતના ગોઠવું છું, સૌથી પહેલાં ઉઠીને બ્રશ કરવાનું, પછી સવારે બ્રશ કરવાનું, પછી ખાવાનું ખાવાનું, પછી ભણવાનું અને પછી સૂવાનું.
अनाविर इतना जारे गोठवाई जाए, इस तरह जब हम चित्र क्रम में लगा दे तब उसे इस तरह गुंदर से चिपका देना है। बराबर, अच्छे से आप गुंदर लगाना और इस तरह चिपकाना है। बराबर, मैं थोड़ी सी गुंदर लगा रहा हूँ, थोड़ी कच गुंदर लगाऊँ छूँ अने आ चोटाड़वानू काम छोकराने ज कहेवानू। बराबर, जे आपणू बाळक छे एने ज कहेवानू, ये बड़े बच्चों को या फिर आपको नहीं चिपकाना है, आप अपने बच्चे को ही चिपकाने के लिए बोलिएगा, क्योंकि वो इसी तरह चिपकाने के कागज़ चिपकाना भी सीखेगा। बराबर, तो देखिए ये हो गया। बराबर, सबसे पहले ब्रश करना, फिर खाना खाना, पढ़ाई करना और बाद में रात को सो जाना। तो देखिए इसी तरह आपको अपने बच्चे को ये चित्र काट के देना है और पूछना है। बराबर, चित्र कापी ने बाळक ने आपवानू अने ने पूछवानू के भाई सौथी पहला आपणे शुं करीए छे, पछी शुं करीए छे, पछी शुं करीए छे, छेल्ले शुं करीए छे, अने आ रीतना चित्रने क्रममां चोटाड़वानू छे। हवे आ चित्र आपणे अहींयाथी फाड़ी नाख्युं छे, बराबर, एटले पाछळ हवे कशुं रहेतुं नथी अने एने अहींया चोटाड़ी देवानू छे। बराबर, तो एक नानकड़ी प्रवृत्ति छे, बहु सरस छे। आ प्रवृत्ति पण तमारा बाळकने करवी गमे एवी छे। तुम्हारे बच्चों को ये करना भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप सवाल पूछने की टेव पाड़िएगा। बराबर, सवाल तो पूछिएगा ही पूछिएगा। तुम्हारा बच्चा जब भी कोई ऐसे प्रवृत्ति करता हो तो खास ये बात याद रखिए कि मुझे उसके वीडियो भेजिए, उसके फ़ोटो भेजिए, ताकि मैं देख सकूं कि बच्चा किस तरह पढ़ाई करता है, किस तरह वो कुछ प्रवृत्ति करता है। बराबर, એ કેવી રીતના પ્રવૃત્તિ કરે છે જોવા માટે થઈને તમે મને આ તમારું બાળક જે પણ કંઈ પ્રવૃત્તિ કરતું હોય એનો મને ફોટો મોકલો, વિડીયો મોકલો, બરાબર, તો મને ખબર પડે, એટલે એ મોકલવાનું ભૂલશો નહીં। તો હવે કાલે આપણે બીજી પ્રવૃત્તિ લઈને મળીશું, ત્યાં સુધી બાય બાય।